हेलो, जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ जया। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, जिसमें मैंने सीरीज स्टार्ट करी है बायो की जो कन्फ्यूजन क्रिएटिंग टर्म्स हैं उनको क्लियर करने का। साथ ही साथ एक ऐसा इजी सा मेथड भी बताऊंगी जिससे आप हमेशा उसको याद रख पाएंगे। हमारे पास बायो में, साइंस में बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जिनको हम सुनते हैं, पढ़ते टाइम हमें सब क्लियर होता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन होता है ये आएगा या ये आएगा। तो उनको परमानेंटली याद रखने के लिए, या ये कहें लंबे टाइम तक याद रखने के लिए, मैंने कुछ टर्म्स लिए हैं जिनको हम एक रिलेशन क्रिएट करके याद रखेंगे। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स पे, जो हमने लिए हैं न्यूरॉन और नेफ्रॉन। तो चलो, पहली टर्म हमारे पास है न्यूरॉन, दूसरी टर्म है हमारे पास नेफ्रॉन। ठीक है जी। अब हमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि ये दोनों ही अलग अलग सिस्टम्स की फंक्शनल यूनिट हैं। एक है हमारे पास एक्सक्रिटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट और दूसरी है हमारे पास नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट। तो नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किसकी है ये? नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की, ठीक है जी। दूसरी टर्म है हमारे पास नेफ्रॉन, ये हमारे पास किसकी यूनिट है? फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। दूसरा, हम इनमें डिफरेंस क्या और क्या डिफरेंस है, काम क्या करती हैं ये? न्यूरॉन क्या काम करता है? न्यूरॉन जो हमारी इम्पल्सेस हैं, मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को जो फील होता है उसको लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन को जो रिस्पॉन्स करना होता है उन रिस्पॉन्सेज को वापस उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो क्या काम है इसका? कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, कहाँ से कंडक्ट करता है? बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है जी, इसका फंक्शन समझ आ गया। अलग अलग बॉडी पार्ट्स से इम्पल्सेस को कंडक्ट करेगा, ब्रेन तक पहुंचाएगा, ब्रेन से जो सिग्नल्स आएंगे उनको वापस बॉडी तक पहुंचाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है ये? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या काम होता है? प्योरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। एल है जी ये। फिल्ट्रेशन ऑफ किसका फिल्ट्रेशन करेगा? ब्लड का। ब्लड का फिल्ट्रेशन होके क्या बनता है हमारे पास? क्या बनेगा? यूरिन। प्रोड्यूस यूरिन। ये किसका काम है सारा? एक्सक्रिटरी सिस्टम का। ये किसका काम है? नर्वस सिस्टम का। अब हम इनके डायग्राम देख लेते हैं। इनके डायग्राम्स मैंने पहले से ही बना के रखे हुए हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये है हमारे पास न्यूरॉन का डायग्राम। इसमें क्या क्या, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ये इसका बॉडी पार्ट है, ये सेल बॉडी है यानी कि कोशिका काय। ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक। ये हमारे पास स्वान सेल्स हैं, इनको हिंदी में स्वान कोशिकाएं बोलते हैं। उसके बाद ये हमारे पास माइलिन सीथ है, हिंदी में इसको माइलिन आच्छद बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास नोड्स ऑफ रेनवियर है यानी कि रेनवियर के सिरे, इसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सोन टर्मिनल है, ये जो लास्ट में एक्सोन टर्मिनल से निकले हुए हैं, और शुरू में इसके क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। इन सारे पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होते हैं।
तो हम क्या करते हैं, इनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जब हम पूरा टॉपिक हम एक साथ डिस्कस करेंगे तब हम इनको पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, याद करने के लिए, डिफरेंस याद करने के लिए, प्रॉपर टर्म्स को याद करने के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है, ये किसका डायग्राम है, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्ट्रेशन किसका, ब्लड का, क्या बनाने के लिए, यूरिन बनाने के लिए। इसमें सबसे ऊपर ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल, ठीक है जी। ये ग्लोमेरुलस कैसे बनता है, एक एफरेंट एट्रियोल आ रही है जो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और फिर बाहर निकलती है, तो इसको इफरेंट एट्रियोल बोलते हैं, ई फॉर एग्जिट, ठीक है जी। एग्जिट से आप याद रखेंगे, बाहर निकलने वाली को हम इफरेंट बोलते हैं। एक होती है अपवाही तंत्रिका, एक होती है अभिवाही तंत्रिका, तो मतलब अभिवाही तंत्रिका और यह है अपवाही तंत्रिका। उसके बाद आता है हमारे पास ग्लोमेरुलस, ये जो पूरा गुच्छा बना है इन एट्रियोल्स का उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये किसके अंदर बनता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर बनता है। इसके बाद जो ये नली निकली है इससे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, हिंदी में इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके आगे ये हमारे पास आता है हेनले लूप, इसको हिंदी में भी हेनले लूप ही बोलते हैं। हेनले लूप आगे जाके वापस से डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब में मतलब बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये सब लास्ट में जाके किस में, कलेक्टिव डक्ट में कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये हमने एरोज, ये जो है ब्रांचेस क्यों बनाई हुई है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स ऐसे आके इसमें जुड़ी रहती हैं, इसलिए ये हमने बनाई है। कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट का मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, सबके फिल्ट्रेट को जो है ये कलेक्ट करेगी, समझ आ गया। इन सारों के अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग एब्जॉर्प्शन होते हैं, अलग अलग फिल्ट्रेशन होता है, सबको हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है जी। अभी ये हमने पढ़े, इनके स्ट्रक्चर पढ़ी, इनका फंक्शन पढ़ा, कौन सा कहाँ है ये सब पढ़ा, लेकिन हमने सीरीज कौन सी स्टार्ट कर रखी है कि इनको याद कैसे रखें। याद रखने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही हमें चोट लगती है, दर्द होता है, तो क्या होता है, हमें रोना आता है, रोना आता है, यानी कि रोने को हम किससे कनेक्ट करेंगे, न्यूरॉन से, न्यूरॉन रोना, रोते हैं, नर्वस फील करते हैं, तो नर्वस फील करते हैं, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, यानी कि जब भी दर्द होएगा, दर्द का एहसास या अच्छी चीज़ों का भी एहसास वैसे न्यूरॉन ही करवाएंगे, लेकिन हम सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं कि फीलिंग्स और सेंसेस का जो एहसास करवाता है वो कौन है, न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन को रोने से कनेक्ट करेंगे, न्यूरॉन, रोन मतलब रोना, रोना आएगा, नर्वस हो जाएंगे, तो ये किससे रिलेटेड टर्म है, नर्वस सिस्टम से, न्यूरॉन, रोना आएगा, रोने से नर्वस होएंगे, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टर्म है न्यूरॉन। दूसरी चीज हमारे पास हमने पढ़ी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का काम क्या पढ़ा हमने, फिल्ट्रेशन, किसका फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन, क्या बनाएगा लास्ट में, यूरिन बनाएगा, तो फिल्ट्रेशन वाली जो टर्म है उसको हम कनेक्ट करेंगे नेफ्रॉन, फर्स्ट से फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, किसका, ब्लड का, क्या बनेगा, यूरिन बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिल्ट्रेशन कई बार हम जैसे ऑप्शनल टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड प्योरिफिकेशन कहाँ होता है, तो बच्चे क्या करेंगे, लंग्स कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स में, प्योर ब्लड आता है लंग्स से, तो वो प्योरिफिकेशन उसे ही समझ लेते हैं, लंग्स में सिर्फ गैसियस एक्सचेंज होता है, फिल्ट्रेशन और प्योरिफिकेशन का काम हमारे पास किडनी करती है, तो किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना, किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है, तो इसको हम याद कैसे रखेंगे कि फिल्ट्रेशन
किडनी करेगी। किडनी किसका पार्ट है? एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट हमारे पास निकल के आती है नेफ्रोन। तो कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। न्यूरोन, रोन, रो के हम नर्वस होते हैं, नर्वस सिस्टम की यूनिट हो गई न्यूरोन। दूसरी तरफ हमारे पास है नेफ्रोन, फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी। किडनी एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो हमारे पास ये एक्सक्रेटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कन्फ्यूजन में कुछ क्लियरेंस आई होगी, और ऑप्शनल टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम इजीली कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।